हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक लग्जरी प्रॉपर्टी के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इस लोकेशन के बारे में, जिस लोकेशन में मैं आज आपको लेके आया हूँ। ये लोकेशन है न्यू चंडीगढ़ ओमेक्स फेस वन। फ्रेंड्स, मोस्टली लोग जो हैं वो न्यू चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ। जो न्यू चंडीगढ़ है ये न्यूली डेवलप एरिया है जो कि चंडीगढ़ से काफ़ी क्लोज है। और अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर ओमेक्स की, ये गेटेड सोसाइटी रहेगी जिसमें कि आपको फ्लैट्स, प्लॉट्स और हर तरह की ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है। और अगर मैं बात करूँ मार्केट की, फुल्ली ऑपरेशनल मार्केट यहाँ आपको मिल रही है। और उसके अलावा जो क्लब हाउस है, फुल्ली ऑपरेशनल क्लब हाउस वहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसमें कि आपको जिम, पूल, स्पा और इंडोर गेम्स, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं। आज जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है 300 गज में बना हुआ डुप्लेक्स विला। बहुत ही लग्जरी ये विला आप आज देखने वाले हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलने वाले हैं 4 बेडरूम विद 4 वॉशरूम और ड्राइंग डाइनिंग रूम, किचन एरिया आपका और आपका डाइनिंग एरिया। उसके अलावा आपको मिलता है इसमें सर्वेंट रूम और एक बहुत बड़ी लॉबी अगर आप चाहें कोई फंक्शन करना, जो कि आपको सेकंड फ्लोर पर मिलेगा। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, लोकेशन इसकी है ओमेक्स न्यू चंडीगढ़। जैसा कि आप आसपास का एरिया देख सकते हैं, काफ़ी वेल डेवलप एरिया रहेगा। रोड्स की अगर मैं बात करूँ, वॉल टू वॉल जो इसका डिस्टेंस रहेगा 40 फीट का रहेगा। सबसे पहले जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये जो बर्म आप देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 फीट की बर्म इसमें आपको मिल रही है, जिसमें आप एक गाड़ी इजिली पार्क कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे जो ड्राइववे है, इसमें यूज़ किया गया है कोबलस्टोन। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर रेनी सीजन में जो ये कोबल जो आप स्टोन देख रहे हैं, ये कभी भी स्लिपरी नहीं रहेगा आपके, खासकर रेनी सीजन में। और मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर जो ग्रीन एरिया इसमें मेंटेन किया गया है विद पाम ट्रीज। अब चलते हैं हम विला के अंदर। सबसे पहले कि आप देखेंगे, आपको बहुत ही बड़ा आयरन का एक स्लाइडिंग गेट यहाँ पे मिल रहा है। यह है हमारा कार पार्किंग एरिया, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ आप इजीली जो आपकी एसयूवी गाड़ी है या बड़े साइज़ की कार है, आप इजीली इसमें पार्क कर सकते हैं। और इस एरिया में भी अगर आप देखेंगे, पूरा ही कोबल जो स्टोन है उसका यूज़ किया गया है। और ये रहेगा आपका ग्रीन एरिया। अगर आप चाहें यहाँ अपनी जो सिटिंग एरिया है उसको आप यहाँ सेटल डाउन कर सकते हैं, ताकि जो आप मॉर्निंग इवनिंग जो टी है वो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें ये डुप्लेक्स विला रहेगा। इसमें ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, सेपरेट एंट्रेंस रहेगी आपकी सेकंड फ्लोर के लिए, जिसमें कि आपको एक सर्वेंट रूम मिल रहा है, उसके अलावा एक बड़ी सी एक लॉबी दी गई है यहाँ पे। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके ये जो ग्रीन एरिया है, इसमें प्रॉपर जो प्लांट्स में लाइटिंग की गई है, जो कि रात में काफ़ी ही खूबसूरत दिखती है। और फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये सारे ही इम्पोर्टेड प्लांट्स रहेंगे। तो ऐसे ही इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं इस विला के अंदर, जो कि इस विला को बाकी नॉर्मल विला से काफ़ी डिफरेंट बनाती हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगने वाला है जो पसंद करते हैं एक एलिगेंट लुक को। इसमें बहुत ज़्यादा कोई फ्लैशी या जो आई कैचिंग चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं किया गया। ये बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ आपको विला मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जो डबल हाइट की सीलिंग इसमें आपको मिल रही है, उसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा आयरन का जो एक आर्ट वर्क है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है। इसमें भी लाइटिंग दी गई है जो कि रात में और भी खूबसूरत लगती है। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इस विला के अंदर। सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा मेन डोर। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 फीट का ये डोर है, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा, काफ़ी वाइड डोर, काफ़ी फ्लैशी डोर है ये।
और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इवन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों का यूज़ किया गया है, तो जो ये आप ये हैंडलर देख रहे हैं इवन ये भी सारा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स एंटर करते ही सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं ये है आपका फैमिली लाउंज एरिया। अगर आप चाहें इसको एज ए ड्राइंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है क्योंकि इसमें ड्राइंग एरिया सेपरेट मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना एलिगेंट लुक है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ये उन लोगों को विला बहुत पसंद आने वाला है जो पसंद करते हैं एलिगेंट लुक को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वॉल देखेंगे पूरा, इसमें आप देखेंगे जो इटालियन है पूरा उसका यूज़ किया गया है, इटालियन मार्बल का पूरा यूज़ किया गया है। जो डबल हाइट सीलिंग है वो इसमें आपको मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो फाइव स्टार होटल्स में जैसा कि जो एंट्रेंस आपको मिलती है ग्रैंड एंट्रेंस, उस टाइप की एंट्रेंस आपको यहाँ पे मिल रही है। और इवन फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फर्नीचर जो आप देख रहे हैं ये भी सारा इंपोर्टेड फर्नीचर रहेगा। पूरे ही विला में जो भी आप फर्नीचर देखेंगे सारा ही इंपोर्टेड फर्नीचर है। और फ्रेंड्स हाँ एक बात और कि अगर कोई इस विला को एज ए विद फर्नीचर फुली फर्निश लेना चाहता है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, विदाउट फर्नीचर अगर आप लेने चाहेंगे वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो बॉनफायर एरिया यहाँ आपको मिल रहा है, और इसके ऊपर जो यूज़ किया गया है ये है आपका रफ नेचुरल स्टोन, ये भी इम्पोर्टेड स्टोन है। इस स्टोन की खासियत क्या है, इसकी जो लुक्स है या जो इसकी ग्रेस है वो फॉर एवर ऐसे ही रहने वाली है, कभी भी इसकी ग्रेस जो है वो डल नहीं होगी। तो अगेन ये भी इम्पोर्टेड है जैसे मैंने आपको बताया था। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ सारा ही इटालियन जो फ्लोर है वो इसका यूज़ किया गया है इसमें। फैमिली लाउंज के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ ड्राइंग एरिया में। तो आप देख सकते हैं ये है आपका ड्राइंग एरिया, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया है। इसमें भी अगर मैं बात करूँ जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी एलिगेंट जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका यूज़ किया गया है। इवन ये जो कर्टन्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स सारे ही इंपॉर्टेंट कर्टन्स हैं, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया और अगेन मैं आपको बीच बीच में बार बार बता रहा हूँ, इसमें जो क्वालिटी है उसका बहुत ध्यान रखा गया है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड यूज़ की गई हैं। इवन ये जो आप सेल्फ्स देख रही हैं ये देखने में शायद एक नॉर्मल सा आपको लग रहा होगा, बट इसमें बहुत ही इम्पोर्टेड जो स्टेनलेस स्टील है उसका यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स इसमें एक सेपरेट एंट्री आपको मिल जाती है ड्राइंग एरिया में बाहर से, यानी कि अगर आप चाहें अपने गेस्ट को एंटर करवाना इस डोर से या आप खुद भी अगर बजाय मेन डोर्स के यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपको एक एंट्रेंस मिल रही है जो कि आपका ग्रीन एरिया है बाहर का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, चाहे मैं कर्टन्स की बात करूँ चाहे मैं फर्नीचर की बात करूँ, काफ़ी एलिगेंट लुक यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप बाहर आते हैं ड्राइंग एरिया से ये है आपका पाउडर रूम, क्योंकि आपके जो ड्राइंग एरिया है या फैमिली लाउंज एरिया है उसके पास एक पाउडर रूम का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि जो बाहर के गेस्ट हैं वो यूज़ कर सकें ईजिली आपका वॉशरूम यहाँ से। तो फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है हमारे डाइनिंग एरिया की। आप देख सकते हैं जो डाइनिंग एरिया है काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया इसमें आपको मिल रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो 8 सीटर जो डाइनिंग टेबल है वो इसमें रखा गया है, उसके बावजूद भी काफ़ी स्पेस इसमें आपको मिल रहा है। और अगर इसमें भी अगर आप कलर कॉम्बिनेशन की बात करें काफ़ी एलिगेंट कलर कॉम्बिनेशन, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल रहा है, बहुत डिसेंट से कलर यूज़ किए गए हैं, चाहे वो फर्नीचर का कलर हो चाहे वो सीलिंग का कलर हो चाहे वो फर्नीचर का आपका जो सोफ़ास हैं या टेबल का कलर हो, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिलता है इसमें आपको। तो फ्रेंड्स डाइनिंग एरिया के बाद साथ ही हमारा है मॉड्यूलर किचन,
जैसे कि आप देख सकते हैं डबल कलर टोन में आपको आपका मॉड्यूलर किचन मिल रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो आपके जितने भी कैबिनेट्स हैं सारे ही हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ। चिमनी इसमें आपको मिल रही है, हॉब इसमें आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस रहेगा आपके फ्रिज का, और ये एरिया रहेगा आपका वॉशिंग एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किचन की भी मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन किचन में भी आपको मिल रहा है। और उसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ से एंट्रेंस मिलती है आपको आपके बैकयार्ड की तरफ। तो बैकयार्ड को भी आप देखेंगे लाइटनिंग के साथ, प्लांट्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका जो सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और उसके अलावा ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है आपका वॉशिंग एरिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डाइनिंग ड्राइंग किचन एरिया। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था टोटल 4 बेडरूम इसमें आपको मिलने वाले हैं, और इसका फर्स्ट बेडरूम रहेगा ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसमें भी अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको मिल रहा है। इवन जो टीवी पैनल्स हैं काफ़ी बड़े, जो काफ़ी बड़े साइज़ के टीवी पैनल्स इसमें आपको मिल रहे हैं। एंड अगेन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जो कि फ्लैशी चीज़ों को पसंद नहीं करते, एक एलिगेंट लुक को पसंद करते हैं। तो आप देखेंगे इवन जो बेड की बैक साइड में भी आपको जो प्रॉपर जो एक वॉल है उस पर बड़ा ही अच्छा ब्लैक और ब्राउन का जो कॉम्बिनेशन वो उसमें आपको मिल रहा है। इसी के साथ ये है इसका अटैच वॉशरूम। और अगर आप देखेंगे इवन जो हमारे वार्डरोब्स हैं इसका कलर अगर आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट कलर इसमें आपको मिल रहा है। और जो डिज़ाइन है अलमीरा का वो भी अगर आप देखेंगे काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है, स्लाइडिंग अलमीरा रहेंगी। और ये है इसका अटैच वॉशरूम। इसमें प्रॉपर जो एक ग्लास की पार्टीशन है वो इसमें आपको मिल रही है। उसी के साथ बहुत सुंदर सी वैनिटी इसमें आपको दी गई है। और फ्रेंड्स, इस रूम से भी आपको एक्सेस मिल जाती है आपके बैकयार्ड की तरफ, जैसे कि आपने देखा था किचन से, और सेम यहाँ से भी आपको एक्सेस मिलती है, और इवन आपके डाइनिंग एरिया के पास से भी आपको एक्सेस मिलती है। ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लाइटनिंग इसमें आपको मिल रही है स्टेयर्स की साइड में। तो अगर रात को पूरे घर की लाइट बंद भी हो तो आप इजीली जो आपके स्टेयर्स है वो विजिबल रहेंगी। और जो आप ये रेलिंग देख रहे हैं पूरा ही ग्लास वर्क है इसमें है आपको मिल रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताया था इससे क्या होता है कि जो उसकी लुक्स है वो एनहांस होती है। तो अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही हम फर्स्ट स्टेयर से एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, सबसे पहले तो देखिए कितनी खूबसूरत जो वॉल का डिज़ाइन वो इसमें आपको मिल रहा है एक फैंसी लाइट्स के साथ। और उसी के साथ जैसा कि हमने मेन एंट्रेंस में देखा था जो हमारी डबल हाइट सीलिंग थी, तो ये जो आप देख रहे हैं काइंड ऑफ अ बालकनी, यहाँ से प्रॉपर व्यू आपको इसमें मिल रहा है आपके फैमिली लाउंज एरिया का, आपका जो बॉनफायर एरिया है। तो
फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेकंड बेडरूम की तरफ। यह है हमारा सेकंड बेडरूम जो कि फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। इसमें भी अगर आप देखेंगे, चाहे मैं बात करूँ बेड के कलर की, बात करूँ वॉल की, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। बहुत से डिसेंट जो कलर्स हैं उसका यूज़ किया गया है, काफ़ी जो रॉयल फीलिंग आती है कलर्स को देखकर। और ये है आपका टीवी पैनल। इसमें अगर आप देखेंगे जो सीलिंग आप देख रहे हैं, इसमें भी प्रॉपर जो वुड वर्क किया गया है सीलिंग पर भी, जो डाउन सीलिंग रहेगी। और पूरे ही घर में जो आपको एसी की प्रोविजनिंग आपको मिल रही है, इसमें सिर्फ आपको जो आपका इनर और आउटर यूनिट है वही आपको फिट करना है। और इसी के साथ आपको एक्सेस मिलती है आपकी बैक बालकनी की तरफ। तो जैसा कि आपने देखा है, चाहे वो नीचे का बेडरूम हो या ऊपर के बेडरूम हो, प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलने वाली है घर के अंदर, प्रॉपर सनलाइट आपको मिलने वाली है इस घर के अंदर। ये रहेगा इसका अटैच वॉशरूम, जैसा कि हमने नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में देखा था, सेम कंसेप्ट का वॉशरूम रहेगा। इसमें भी आपको स्लाइडिंग अलमीरा में आपको मिल रही हैं। इसके अलावा ये है आपका अटैच वॉशरूम, फुल हाइट टाइल्स आपको वॉल्स पर मिलेंगी, एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग पर आपको मिल रही हैं। इसमें भी ग्लास पार्टीशन का यूज़ किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके बाथिंग एरिया के लिए। और इसमें भी जो वैनिटी है वो इसमें आपको मिल रही है। फ्रेंड्स, ये है हमारा थर्ड बेडरूम। अगेन इस बेडरूम की अगर मैं बात करूं, इसमें भी सेम वैसा ही आप देखेंगे, काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज़ किए गए हैं। डाउन सीलिंग इसमें आपको मिल रही है। इसमें जो वार्डरोब्स हैं वो आपको मिलेंगे बाहर, आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग वार्डरोब्स रहेंगे, स्लाइडिंग अलमीरास रहेंगी। और ये एरिया, इसको भी आप अगर चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, इस एरिया को भी। और इसी के साथ ये है इसका टीवी पैनल, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर बड़ा टीवी पैनल इसमें आपको मिल रहा है। और ये है इसका अटैच वॉशरूम। इसमें अगर आप देखेंगे, टोटली ही जो इसकी लुक है, आपको बाकी वॉशरूम से टोटली ही डिफरेंट लुक इसमें आपको मिलने वाली है। इसमें भी अगर आप देखेंगे, फुल जो हाइट टाइल्स है वो इसमें मिलती हैं आपको, एंटी स्किड टाइल्स फ्लोरिंग पर इसमें आपको मिलेगी। इसमें भी आपका जो बाथिंग एरिया है वो ग्लास से उसको सेपरेट किया गया है। उसके अलावा एक वैनिटी इसमें आपको मिल रही है। और इस बेडरूम में भी आपको बालकनी का प्रोविज़न मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था, जो कोई भी बेडरूम अगर आपको जो उसमें विला के अंदर मिल रहा है, सारे ही प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड और सनलाइट के साथ मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड, ये है हमारा फोर्थ बेडरूम एंड लास्ट बेडरूम, जो कि है आपका मास्टर बेडरूम। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको मिलने वाला है इस विला के साथ। और इसमें भी अगर आप देखेंगे, जो वुडन की फ्लोरिंग है वो उसमें आपको मिल रही है। इसी के साथ इसमें भी बड़ा सा टीवी पैनल आपको इसमें मिल रहा है। डाउन सीलिंग मिलती है इसमें आपको, सेम जैसे मैंने आपको बताया था, वुडन लुक के साथ इसमें आपको डाउन सीलिंग मिल रही है। उसके अलावा कंसील लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं, और काफ़ी बड़ी विंडोज में आपको मिल रही है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ जो आपका फ्रंट बालकनी है, उसकी एक्सेस आपको इस बेडरूम से मिल जाती है। अगेन आप देखेंगे तो काफ़ी वेल वेंटिलेशन आपको मिल रही है, सारे ही बेडरूम्स में आपको अच्छी वेंटिलेशन इसमें आपको मिल रही है। और इसमें जो अलमीरा है वो इसका जो कंसेप्ट है वो है रनिंग अलमीरा का कंसेप्ट। और अगर आप देखेंगे, जो इसका आउटर डोर है जो वार्डरोब्स का, वो सारा ही ग्लास से बना हुआ है। तो कुछ एक डिफरेंट कंसेप्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, ये सारा ही ग्लास का यूज़ किया गया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा। और इसी के साथ ये है इसका अटैच वॉशरूम। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको, वीडियो के स्टार्टिंग में भी, वीडियो के बीच में भी आपको बताया था, काफ़ी एलिगेंट
लुक वाला ये विला है, जो इसका अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, एक्सटीरियर की बात करूँ, कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ, बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक दिया गया है पूरे ही विला को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड फ्लोर की तरफ। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड फ्लोर की जो एंट्रेंस है वो सेपरेट रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी एंट्रेंस सेकंड फ्लोर की। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पर एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये है आपका सर्वेंट रूम। काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्पेशियस सर्वेंट रूम दिया गया है इस विला में। यह है उसका अटैच वॉशरूम, और इसी के साथ ये है आपका सर्वेंट रूम। आप देखेंगे काफ़ी, इवन जो सर्वेंट रूम का भी स्पेस देखेंगे, काफ़ी स्पेशियस दिया गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये है बहुत ही बड़ा ओपन आपका टेरेस एरिया। आप इसको जैसे भी चाहें इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको ग्रीनरी पसंद है, आपको प्लांट्स पसंद है, तो आप उसको भी यहाँ पे रख के जो इसकी खूबसूरती है और बढ़ा सकते हैं इसकी खूबसूरती को आपके टेरेस की। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा काफ़ी बड़ा रूम सा आपको इसमें यहाँ पर मिल जाता है। इसको अगर आप चाहें एज ए गेस्ट रूम इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई छोटा गेट टुगेदर आप करना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप चाहें इसमें कल को अगर आप अपना जो इसको होम थिएटर जो रूम है वो इसको आप बना सकते हैं, अपना बार एरिया इसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बड़ा सा ओपन टेरेस एरिया मिलता है। तो ये रहेगा आपके टेरेस का बैक साइड एरिया, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था सर्वेंट रूम, तो एक छोटा सा किचन जो सर्वेंट किचन है वो भी इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था 300 गज में बना हुआ अल्ट्रा लग्जरी डुप्लेक्स विला। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जिनका की जो टेस्ट है वो रॉयल टेस्ट है, और जो पसंद करते हैं एक एलिगेंट लुक को। और जैसा कि आपने विला के अंदर से देखा है, पूरी वीडियो को देखा है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्नीचर है, इवन जो कर्टन्स हैं या जो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इस विला के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या इस विला को विजिट करना चाहते हैं, तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।